हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं बिग बॉस 16 एपिसोड नंबर 2 का, और इसमें क्या क्या नया नया कुछ देखने के लिए मिला हुआ है और क्या क्या हो रहा है और बिग बॉस का कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है, इसी के ऊपर बात करते हैं। और इस हफ्ते कौन निकलने वाली है और किसका नॉमिनेटेड नाम आया हुआ है, कौन कौन बाहर जाने वाली है, इसी के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का हेल्प की सहायता का जरूरत है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 16 और एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 बहुत ही मस्त तरीके से स्टार्ट होती है और कहानी बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। वही है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम किसी को इस घर में शुरू से है तो निमृत और अर्चना का, अर्चना और निमृत का शुरू से ही नहीं जमा हुआ है और दोनों में हमेशा किचन को लेकर बहुत ही लफड़ा होते आ रही है। और इसका रिजल्ट सामने देखने के लिए मिल चुका है, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन वो दोनों में जमने वाली नहीं है। और दूसरे में क्या है कि सबसे कमती बोलने वाला एक यार MC स्टैन जो है बहुत ही कमती बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये सब बात आया सामने कि हाँ कौन मतलब नॉमिनेट इस हफ्ते होगा और बिग बॉस ये गेम रखे, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का फोटो जलाया गया तो वो था साजिद खान और MC स्टैन, और सबका कमती हुआ। और सबसे पहले क्या है कि कोई भी जो है एक बड़े मतलब जो स्टार हैं या बड़े उनको चाहने वाले उसी को टारगेट करता है, ये इसमें प्रूफ हो गया। क्योंकि किसी को किसी से प्रॉब्लम होता नहीं है, सबको ये मालूम है कि साजिद खान रहेंगे तो हम सब का प्रॉब्लम है, लोचा है, तो इसके लिए उन्हीं को ज़्यादा मतलब टारगेट किया गया है। और साजिद खान ये पूछे सालिन को से, तुम हमको ही क्यों टारगेट किया जब तुम बोलते हो हमारे फैमिली हमारे हर एक चीज़ आप लोग हैं, फराह खान है, तो हमको क्यों टारगेट किया? तो वो क्या बोल रहे हैं, आपसे ज़्यादा ज़रूरत है दूसरे को क्योंकि उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो फिर वो बोले अब्दू को क्यों किया, क्योंकि वो जो है सालिन जो है अब्दू और आपको साजिद खान को मतलब जलाए नॉमिनेट किए, तो अब्दू को क्यों किया? अब्दू को ठीक है, दो ही आदमी लगभग किया है उनको नॉमिनेट, उनका नाम नहीं आया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो जिसका जलाया गया, जिसको मतलब फाड़ा गया, वो था MC स्टैन और साजिद खान। ये दोनों का ज़्यादा ही टारगेट है। और एक तो ये 100% है कि हाँ साजिद खान नहीं निकलेंगे, लेकिन MC स्टैन का ये डाउट है कि निकल जाएंगे। और इसमें से नॉमिनेट में से इस हफ्ते इस व्यू के किसका नाम आया हुआ है, तो वह साजिद खान, MC स्टैन, गौरी नागौरी यार बहुत मस्त है, बहुत अच्छा से डांस करती है, उनका नाम क्यों देने की ज़रूरत था। और अर्चना को तो मालूम है कि हाँ क्या मतलब करना चाहती है। गौतम और शिव ठाकरे भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो एक जो है ना कि मराठी का वो विनर रह चुके हैं, तो वो भी नहीं निकल सकते हैं। आपको अर्चना भी है ठीक है, लेकिन वो भी नहीं निकलेगी। लेकिन सबसे ये दोनों में से ये सब में से क्या है, एक ही आदमी निकलने वाली है, एक आदमी निकल लेगा कौन? तो हमको यही लगता है कि MC स्टैन निकलेंगे, क्योंकि उनको उतना वो खास मतलब कुछ जमा नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जंग होने वाली है मतलब एवरी डे, हो सकता है तो साजिद और सालिन के साथ में जंग होगी, क्योंकि दोनों में से अब प्रॉब्लम आगे बढ़ चुकी है और दोनों लड़ने वाले हैं अच्छा से इससे तो पहले। और निमृत और अर्चना का जंग हो रही थी, अब इसमें साजिद और जो है सालिन दोनों मतलब मिलकर लड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों का बात जम नहीं रही है। अगर क्योंकि साजिद खान को वो जलाए नॉमिनेट किए, इसके लिए से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप लोगों को क्या लगता है, इस हफ्ते कौन घर से बाहर निकलेगा, आप लोग कमेंट बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत मस्त अच्छा मतलब जा रहा है एपिसोड पूरा देखने के लिए, बहुत ही दिल खुश हो रहा है, बहुत ही हैप्पी हो रहा है आदमी, कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि पहले जैसे नहीं करने के इसको अभी एक अलग तरीके से मतलब बिग बॉस दिखा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइए, किसका कैरेक्टर में आप लोगों का इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा है वो भी बताइए। सुम्बुल का तो बस एक ही आदमी कोई किया, कौन किया? एक आदमी कोई किया, सुम्बुल तो बच गई है, बहुत अच्छा है यार, फेस अच्छा है, आवाज़ थोड़ा बहुत भारी है लेकिन अच्छा लगती है। और वो क्या उसको उठाते हैं ना, गौतम को उठा लेती है, यार कितना स्ट्रॉन्ग लड़की है यार वो, 85 kg वो बोलते हैं, इतना वजन बहुत मस्त तरीके से उठा लेती है उनको ऐसा बाहों में पकड़ कर। तो चलने वाली है कहानी, बहुत आगे बढ़ेगी। टीना भी ठीक ठाक मतलब अपना काम कर रही है, और भी सब जो कैरेक्टर है वो ठीक ठाक अपना निभा रहे हैं, लेकिन सबसे आगे में यही आ रहे हैं निर्भया और अर्चना, ये सब जो है ना निमृत और अर्चना
ये सब आगे करेक्टर में आ रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग का चांस है। अब्दू भी आगे बढ़ेगा क्योंकि उनसे बहुत अच्छे से पूछते हैं लोग, तुम्हारे गर्लफ्रेंड कौन है, तुम इसमें से किसको पसंद करते हो, तुमको कौन अच्छी लगती है, ये सब अच्छा है, अच्छा खासा इंटरटेनमेंट हो रही है, गाना भी गाते हैं, तो ये सब परफेक्ट है, अच्छा खासा जा रहा है। लेकिन देखते हैं आगे कौन बढ़ता है। आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट बताइए। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोग के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय।